हेलो एवरीवन, मैं तेजस यादव आप सभी का मेरे कोड विद बैकबेंचर्स इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूँ। तो गाइस, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप ऐसे ही हमारे अच्छे अच्छे वीडियो के नोटिफिकेशंस पा सकें। तो गाइस, हमने पिछले वीडियो में देखा कि HTML क्या है, HTML का यूज क्या है और HTML को किसने इन्वेंट किया था और कब इन्वेंट किया था और जो सबसे पहली वेबसाइट थी वो कब इन्वेंट हुई थी और किसने इन्वेंट की थी और उसे कहाँ पे पहली बार रन किया गया था। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे HTML के जो टैग्स है वो उसमें कुछ बेसिक्स टैग्स है वो भी देखेंगे। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो HTML टैग्स क्या है? HTML टैग्स एक हिडन कीवर्ड्स है, मतलब जैसे आप इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाते हो तो उसमें कुछ कीवर्ड्स होते हैं, मतलब स्पेशल वर्ड्स होते हैं जिसका यूज करके हम सेंटेंसेस बनाते हैं। तो उसी तरह HTML टैग्स क्या है, एक हिडन कीवर्ड्स होती है, वेब पेज के साथ होती है, जो कि हमें ये डिफाइन करता है कि हमारा जो वेब ब्राउजर है वो कंटेंट को कैसे फॉर्मेट करता है और उसे किस तरह से डिस्प्ले करता है। तो उसमें क्या होता है कि जो मोस्ट टैग्स होते हैं, मतलब बहुत से जो टैग्स होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ओपनिंग पार्ट होता है और दूसरा होता है क्लोजिंग पार्ट। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल आप देख ही सकते हैं, ये जो है ये HTML टैग्स है, ये HTML टैग है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये HTML, ये ओपनिंग टैग है और दूसरी जो टैग है वो क्लोजिंग टैग है। मतलब क्या है कि जो क्लोजिंग टैग होती है तो उसका टेक्स्ट ओपनिंग टैग जैसा ही होता है, मतलब जो टेक्स्ट ओपनिंग टैग में होता है सेम ही टेक्स्ट क्लोजिंग टैग में होता है, बट फर्क इतना होता है कि उसमें एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर होता है जिसे हम फॉरवर्ड स्लैश बोलते हैं। मतलब वो क्या होता है, वो ऐसा बताता है कि ये हमारी क्लोजिंग टैग है, तो वो इसलिए हमें वो फॉरवर्ड स्लैश यूज करना पड़ता है। HTML टैग्स में कुछ ऐसे भी टैग्स होते हैं कि जिनमें क्लोजिंग टैग नहीं होती, जैसे कि इमेज टैग में हमें क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती। तो आइए हम देखते हैं बेसिक टैग्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आते हैं HTML क्या है, ये मेन टैग है HTML की। ये बताता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू होता है, मतलब जैसे अगर आपको सी या सी प्लस प्लस पता होगा तो उसमें हम क्या होते हैं, लाइब्रेरीज इंक्लूड करते हैं, जो कि stdio.h और conio.h जैसी लाइब्रेरीज हम इंक्लूड करते हैं। तो वो हमें क्या दर्शाता है कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, क्योंकि उन लाइब्रेरी के बिना हमारा जो प्रोग्राम होता है या कोड होता है वो रन नहीं होता है। तो उसी तरह से HTML में HTML ये टैग होते हैं और उसकी क्लोजिंग टैग ऐसी होती है, ये होती है उसकी क्लोजिंग टैग। अब उसके बाद में आती है हेड टैग। अब हेड टैग का काम क्या होता है, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे, ये ऊपर में यहाँ पे देखो कोड विद बैकबेंचर्स है, ये लिंक के ऊपर में कोड विद बैकबेंचर्स यूट्यूब ऐसे लिख के आ रहा है। तो ये जो होता है ये हमारा हेडिंग पार्ट होता है और इसमें ये जो होता है वो टाइटल होता है। तो हेड क्या होता है, वो जो हमारा अपर साइड होती है, जैसे कि आप इसमें देखा होगा, वो आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में देखा होगा, उसमें आपने कभी रिपोर्ट या कुछ बनाया होगा तो उसमें ऊपर हेडर और फुटर होता है, तो जो ऊपर का पार्ट होता है वो हेडर होता है, मतलब हमारा हेडिंग पार्ट होता है, ठीक है, और जो नीचे का पार्ट होता है फुटर पार्ट होता है। तो इसमें हमें फुटर पार्ट की जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ हेडर पार्ट का यूज होता है। तो जो ये है कोड विद बैकबेंचर्स यूट्यूब, ये होता है हमारा हेड पार्ट, इसमें हम वो कोड लिखते हैं। तो उसके बाद में आता है टाइटल। तो उसके बाद आती है टाइटल टैग।
अब टाइटल टैग का क्या यूज है, हमारा जो वेबसाइट है या वेब पेज है उस वेब पेज को हमें कुछ टाइटल देना है तो उसके लिए हमें टाइटल का यूज होता है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो लिखा है कोड विद बैकबेंचर्स डैश यूट्यूब youtube.com, ये क्या हुआ, हमारा टाइटल हुआ। तो हमें जो भी टाइटल देना है हमारे स्क्रीन वेबसाइट पे या वेब पेज पे तो हम टाइटल टैग का यूज करके दे सकते हैं। तो अब इसके बाद आती है बॉडी टैग। बॉडी टैग का यूज क्या है कि जो भी हमें रिप्रेजेंट करना है हमारे वेबसाइट पे या हमारे वेब पेज पे तो वो जो है वो हमें बॉडी टैग के अंदर ही रिप्रेजेंट करना होता है। मतलब जो कि हमारी ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन में जब हमको कुछ लिखना है या डिस्प्ले करना है तो हमें बॉडी टैग का यूज करना होता है। बॉडी टैग मतलब हमारी जो बॉडी होती है वेब पेज की, मतलब ये जो हमारी स्क्रीन है ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है। तो हमें बॉडी टैग का यूज करके हम जो भी हमें इमेजेस दिखानी है, कोई फॉर्म दिखाना है या कुछ डेटा दिखाना है या टेबल दिखाना है या कुछ लिस्ट वगैरह दिखानी है तो वो हम बॉडी टैग के अंदर ही उन सब के टैग्स यूज करके हम डिस्प्ले कर सकते हैं। तो अब उसके बाद आती है हेडिंग टैग। हेडिंग टैग का क्या यूज है, अगर हमारे वेब पेज पे या वेबसाइट पे कहीं पे भी हमें अगर हेडिंग देना है, जैसे कि मुझे अब कुछ डेटा डिस्प्ले करना है या तो मुझे ऐसा मतलब गूगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मुझे दिखानी है तो मुझे ऊपर में हेडिंग देना है गूगल इंफॉर्मेशन, तो उसके लिए हमें हेडिंग टैग का यूज करना होता है जिससे हम हमारा जो भी डेटा हमें डिस्प्ले करना है उसे हम एक हेडिंग दें। तो उसमें 6 साइजेस आते हैं, मतलब हेडिंग 1 टू हेडिंग 6। तो हेडिंग 1 मतलब H1, अप टू H6। H1 to H6। तो H1 जो है वो हमारी सबसे बड़ी साइज होती है हेडिंग की और H6 जो है वो सबसे छोटी साइज होती है हेडिंग की, ठीक है। तो ये हमारी हेडिंग टैग। अब हेडिंग टैग के बाद HR टैग। HR टैग का यूज करके अगर हमें कहीं पे भी हमारे स्क्रीन पे या कहीं पे भी अगर हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन डिस्प्ले करनी है तो उसके लिए HR टैग का यूज होता है। HR टैग का यूज करके हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसके बाद आता है बोल्ड टैग। बोल्ड टैग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है या जो भी वर्ड कोई सिंगल वर्ड डेटा है या जो भी वन लाइन डेटा है उसे अगर हमें हाईलाइट करना है या फिर हमें उसमें डार्क में दिखाना है तो उसके लिए हमें बोल्ड टैग का यूज करना होता है। अब बोल्ड टैग के बाद आता है पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग का इस पैराग्राफ टैग का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा डेटा है, मतलब अगर हमारा डेटा मल्टीपल लाइंस में है
और बहुत सारा डेटा हमारे पास है जो हमें हमारे वेबसाइट या वेब पेज पे डिस्प्ले करना है पैराग्राफिकली हमें डिस्प्ले करना है, तो उसके लिए हमें पी टैग मतलब पैराग्राफ टैग का यूज़ करना पड़ता है। तो पैराग्राफ टैग का यूज़ करके अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा है तो हम उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। अब उसके बाद आता है ब्रेक टैग। ब्रेक टैग का यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमारा मतलब अभी समझो आपने कुछ डेटा लिख लिया है अपने ब्राउज़र पे डिस्प्ले किया है डेटा, अगर आपको थोड़ी स्पेस छोड़ के और कुछ दूसरा डेटा इंसर्ट करना, मतलब दो डेटा के बीच में अगर आपको कुछ थोड़ी सी स्पेस चाहिए है तो उसके लिए br टैग का यूज़ होता है। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने लिखा कोड विथ बैक बेंचर्स, और अगर आप मैं लिखता हूँ देखो अब ये जो मेरा दो डेटा है मतलब वेलकम टू कोड विद बैकबेंचर्स एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ये दो डेटा के बीच में ये जो गैप दिख रही है आपको, ये जो गैप दिख रहे हैं वो गैप अगर मुझे क्रिएट करनी है तो उसके लिए मुझे br टैग का यूज करना पड़ता है। तो br टैग से हम सिंगल एक br टैग से हम एक सिंगल लाइन का जो गैप है वो बना सकते हैं। तो आपको जितना गैप बनाना है उतने आप br टैग यूज करके गैप बना सकते हैं। तो ये थे हमारे बेसिक टैग्स, ठीक है। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं। तो क्या है HTML टैग्स? HTML टैग्स क्या है, वो एक हिडन कीवर्ड्स है जिसका यूज करके हम वेब पेज के साथ रहती है, वो हिडन रहती है वेब पेज के साथ, जिसका यूज करके जो वेब ब्राउजर क्या करता है जो भी हमारा कंटेंट होता है उसे फॉर्मेट और किस तरह से डिस्प्ले करना है ये हमें क्या कौन बताता है, HTML टैग्स हमें बताती है। तो उसके बाद क्या देखा कि जो HTML के बहुत से जो टैग्स होते हैं उनमें दो पार्ट्स होते हैं, एक तो ओपनिंग पार्ट होता है और दूसरा होता है क्लोजिंग पार्ट। तो ओपनिंग पार्ट और क्लोजिंग पार्ट में डिफरेंस क्या होता है, तो जैसे कि आप एग्जांपल है HTML ये एक ओपनिंग टैग है, उसके बाद में दूसरी HTML जो है वो क्लोजिंग टैग। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का जो नाम होता है वो सेम ही होता है, पर जो क्लोजिंग टैग होती है उसमें एक फॉरवर्ड स्लैश कैरेक्टर होता है जो कि हमें ये बताता है कि ये हमारी टैग का एंड है या हमारी ये टैग का एंड है, मतलब ये हमारी क्लोजिंग टैग है, ठीक है। तो हमारे HTML में कुछ ऐसे भी टैग्स हैं जिसमें क्लोजिंग टैग का यूज नहीं होता है, मतलब रिक्वायर्ड नहीं होती है क्लोजिंग टैग, तो वो होती है इमेज टैग। img टैग जो है उसमें जो है क्लोजिंग टैग की जरूरत नहीं होती है। तो आइए हम देख, अभी हमने क्या देखा बेसिक टैग्स कौन कौन सी है, तो हमने कौन सी देखी, सबसे पहले HTML देखी। HTML क्या है, ये हमारे प्रोग्राम का स्टार्टिंग टैग है, मतलब ये टैग का यूज करके हम ये बता सकते हैं कि ये हमारे प्रोग्राम की स्टार्टिंग है, ठीक है। हेड टैग मतलब क्या है, जो भी हमारा हेडर होता है हमारे वेबसाइट का हेडर या वेब पेज का हेडर है वो हेडर मतलब हमारी हेड टैग होती है, मतलब हेड टैग में हम हमारे हेडर को दिखा सकते हैं। टाइटल टैग, अब टाइटल टैग मतलब जैसे कि मैंने आपको बताया था ये जो हमारा है कोड विथ बैकबेंचर्स यूट्यूब.com ये जो है ये हमारा टाइटल हो गया।
तो ये अगर हमें डिस्प्ले करना है तो हमें टाइटल टैग का यूज करना होता है। तो उसके बाद में हमने देखा बॉडी टैग। बॉडी टैग मतलब जो जो भी हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होने वाला है तो वो हमें बॉडी टैग के अंदर ही उसकी कोडिंग करनी पड़ती है, मतलब उसके जो टैग्स है वो हमें बॉडी टैग के अंदर ही करनी पड़ती है। मतलब ये क्या हुआ, हमारे जो वेबसाइट या वेब पेज का है वो हमारी बॉडी हो गई जो हमें डिस्प्ले होने वाली है। तो उसके बाद में क्या है, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग मतलब क्या है, अगर हमें कुछ डेटा रिप्रेजेंट करना है तो उस डेटा को हमें कुछ हेडिंग देना है। जैसे कि मुझे गूगल के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बतानी है तो मैं क्या करूँगा, गूगल इंफॉर्मेशन ऐसा मुझे हेडिंग देना है, तो उसके लिए हमें हेडिंग टैग का यूज करना होता है। हेडिंग टैग में हमने क्या देखा, छः साइजेस होते हैं, H1 to S6। H1 जो होती है वो सबसे बड़ी साइज होती है, H6 जो होती है वो सबसे छोटी साइज होती है। उसके बाद में हमने देखा हॉरिजेंटल टैग। हॉरिजेंटल टैग का क्या यूज होता है कि हमें अगर हॉरिजेंटल लाइन बनानी है हमारे वेबसाइट या वेब पेज पे तो उसके लिए हॉरिजेंटल टैग मतलब HR टैग। बोल्ड टैग का यूज क्या होता है, हमने देखा कि अगर हमारा हमें कुछ हमने हमारे वेबसाइट पे कुछ डेटा इंसर्ट किया हुआ है या हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो उस डेटा में से हमें कुछ कुछ वर्ड्स या कुछ कुछ सेंटेंसेस हाईलाइट करने हैं या डार्क में दिखाने हैं तो उसके लिए हम बोल्ड टैग का यूज करते हैं। पैराग्राफ टैग का यूज किस लिए करते हैं, अगर हमें हमारे वेबसाइट पे एक लाइन से ज्यादा का डेटा अगर डिस्प्ले करना है, मोर देन वन लाइन, तो उसके लिए हमें पैराग्राफ टैग का यूज करते हैं। BR टैग का यूज किस लिए करते हैं, BR टैग से हम क्या करते हैं कि हमारे पास दो डेटा है डिस्प्ले करना है, लेकिन उन दोनों मतलब वो जो दोनों डेटा है उसमें हमें गैप रखनी है, तो वो गैप रखने के लिए हमें BR टैग का यूज करना पड़ता है। BR टैग से हम क्या करते हैं कि बीच में एक सिंगल लाइन की गैप आ जाती है, तो हमें जितनी गैप दिखानी है उतने हम BR टैग यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। और एक बात, मैं जानता हूँ कि आज का जो वीडियो है वो आपको थोड़ा सर के ऊपर से गया होगा, लेकिन जो हमने आज ये टैग्स देखी पढ़ी, यही टैग्स मैं आपको इन्हीं टैग्स का मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन करके मेरे आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ। तो हमारा जो अगला वीडियो है उसमें हम देखेंगे फॉर्म टैग, उसके बाद टेबल टैग, और उसके बाद हम देखेंगे हमारा लिंक टैग और इमेज टैग, और सबसे लास्ट हम देखेंगे लिस्ट टैग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ गाइस लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।